अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, ये वो मक्का मुअज्जमा शहर है और ये वो रास्ता इधर पहाड़ की तरफ जाते हुए जहाँ सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को सताया गया था, तो इसके मोहब्बत में उसकी कुर्बानियों पर, उसकी दीन की खातिर मशक्क़त झेलने पर चंद अशआर हैं। अल्लाह सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना अमीन साहब, कुछ इरशाद फरमा दे आप। इस्लाम कहलाने वालों को रह रह कर सताया जाता था, इस्लाम कहलाने वालों को रह रह कर सताया जाता था, तौहीद और रिसालत के बदले घर उनका छुड़ाया जाता था, तौहीद और रिसालत के बदले घर उनका छुड़ाया जाता था, फिर दार के ऊपर ले जाते वो करे तमन्ना है कोई, फिर दार के ऊपर ले जाते वो करे तमन्ना है कोई, तांबे की तरह से उनका बदन, तांबे की तरह से उनका बदन शौलों पे तपाया जाता था, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, उनका बदन शौलों पे तपाया जाता था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम कहलाने वालों को रह रह कर सताया जाता था, तौहीद और रिसालत के बदले घर उनका छुड़ाया जाता था, मक्के की गली और कूचों में जंजीर की कड़ियां पहना कर, मक्के की गली और कूचों में जंजीर की कड़ियां पहना कर, बच्चों के हवाले कर देते फिर उनको घसीटा जाता था, बच्चों के हवाले कर देते फिर उनको घसीटा जाता था, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सताया गया, सीने पर भारी चट्टान रखती जाती और